अब जी हम एक 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 बिजनेस है, जैसे कि एक होटल चल रही है, रेस्टोरेंट, अगर उसके बढ़ाना है हमें, नेक्स्ट डालना है आगे, तो उसको कैसे बढ़ाएं सर, कैसे आगे ले जाएं, नहीं दूसरी बहुत होटल, अच्छा दूसरा रेस्टोरेंट। जी बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह जी। फास भाई देखिए, सबसे पहले मैं इनको राय देना चाहूंगा कि अपनी एक्सक्लूसिविटी पे काम करें, अपने यूएसपी पे काम करें। यूएसपी का मतलब यह है कि यूनिक सेलिंग पावर। आपका रेस्टोरेंट दूसरे रेस्टोरेंट से अलग क्यों है, मुख्तलिफ क्यों है? सबसे पहले तो आपको अपने से सवाल करना पड़ेगा और उस बात को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मार्केट में 100 रेस्टोरेंट है, बट मैं आपके रेस्टोरेंट पे आकर के खाना क्यों खाऊं? सबसे पहली बात यह है। दिल्ली का बहुत बड़े रेस्टोरेंट है, बहुत बड़ा ब्रांड है, मुंबई का बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट है, उनके बहुत बड़े ब्रांड है, मैसूर कैफे है, बहुत सारे आपको आई के नेम अ नंबर ऑफ यू नो एग्जाम्पल, 100 ऑफ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता सकता हूँ। तो वो लोग के पास अपनी अपनी एक स्पेशलिटी है। आपका रेस्टोरेंट सबसे अलग क्यों है? सबसे पहली बात तो ये है, मतलब ये कि अगर आपने इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया तो आपने अपने आप को एक ब्रांड बना लिया। अब जब आप ब्रांड बन चुके हैं तो जो आगे बढ़ने का मोड है वो दो तरीके से आप बढ़ सकते हैं। एक तो सिर्फ आप अपना ब्रांड की फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, आपने सिर्फ अपना आपका जैसे एक्स वाई जेड कोई ब्रांड हुआ, जैसे कि खाने का कोई नाम लीजिए सर भाई, कोई ब्रांड का नाम बताइए खाने का जो इनके लिए बहन के लिए हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं। कोई नाम अभी सजेस्ट करूं मैं? हाँ हाँ जायका दे दीजिए जैसे कि ओके एग्जाम्पल, चलो कुछ भी जी, एक्स वाई जेड ले। लेकिन जी हाँ जायका करके इतना जैसे ब्रांड है, ठीक है? तो अब जायका बहुत मशहूर हो चुका है, उसका एक ब्रांड है, उसकी पर्टिकुलर कोई रेसिपी है, कोई ग्रेवी है, कोई कोई यू नो कोई क्यूजीन है जो बहुत ज्यादा मशहूर है, ठीक है? अभी दो तरीके से एक्सपैंड कर सकती है। एक तो खाली जायका का जो ये ब्रांड नेम है उसको खाली ये लेट आउट कर सकती है, उसका खाली एक तरीके से उसका टेम्पररी राइट किसी को यूज करने के लिए दे सकती है, फर्स्ट। सेकेंड की ये फ्रेंचाइजी मोड में ऑपरेट कर सकती है, यानी कि सारा मैनेजमेंट, सारी रेसिपी, सारे यू नो सीक्रेट रेसिपीज और सीक्रेट मसाले इनके रहेंगे, मैनेजमेंट सारा इनका रहेगा, सामने वाला पर्सन जो है वो एक तरीके से फ्रेंचाइजी और कंपनी ऑपरेटेड मॉडल पर काम करेगा, यानी इसको फोको कहते हैं। फ्रेंचाइजी का ओनरशिप रहेगी और कंपनी की जो है ऑपरेशन रहेगा इसमें, यानी फ्रेंचाइजी की जगह ओन रहेगी, वो और सारे मैं फोमो रेस्टोरेंट। वगैरह सब आप एक्सप्लेन कर दो जरा अभी सबके लिए, सब लोग हाँ बहुत यूजफुल चीज बता रहे हैं। फोको मॉडल फ्रेंचाइजी जो होगा ऑपरेटेड जी, फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, जहां पर जो है इन्होंने एक पर्सन एक ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, यानी हाँ कि इनमें से फ्रेंचाइजी जो होगा, जो आपकी फ्रेंचाइजी होगी, ये मान लीजिए बहन आपका जो ब्रांड है, सपोज करिए आप एक नाम पहले तो सब लोग ध्यान दो, जिनके पास भी कुछ भी ठीक ठाक बिजनेस है ना या नहीं भी है ना, तो आप लोग अपना ट्रेडमार्क करो, अपनी कंपनी का नाम बनाओ और ट्रेडमार्क करो अपना, वो नाम अच्छा नाम सोचो, अच्छा नाम लेकर के चेक करो किसी और का वो नाम तो नहीं है, और ट्रेडमार्क में डाल दो, ट्रेडमार्क कर लो, आपके पास वो होना चाहिए, क्योंकि ब्रांड्स हमारे बिल्ड होने चाहिए। देखिए ब्रांड बिल्डिंग की अहमियत लोग नहीं समझते हैं, लोग क्या समझते हैं अभी बस बना बना के बेचते हैं, अपना एक अच्छा सा नाम होना चाहिए, वो नाम आपका नाम होना चाहिए, आपकी आइडेंटिटी होना चाहिए। अब मान लो कि वो ब्रांड के साथ कोई खोलना आप ऑफर करेंगे, पता है आपको कितनी सारी वेबसाइट्स है आज जहां पे आप अगर फ्रेंचाइजी प्लान ऑफर करना चाहते हैं तो फ्रेंचाइजी की कई सारी वेबसाइट्स है, कितने सारे लोग हैं, पैसे होते हैं उनके पास, बिजनेस आइडिया नहीं होती है। सपोज आपके पास, सपोज करिए एक अच्छी होटल का आइडिया है और खाना लोग पसंद कर रहे हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास पैसे हैं लेकिन आइडिया नहीं है, तो आप वहां पर जो वेबसाइट पर अपनी लिस्टिंग करेंगे, फ्रेंचाइजी मॉडल बनाकर देंगे, तो कौन सा मॉडल हो सकता है? तो फवाज भाई बता रहे हैं एक मॉडल ये है कि फ्रेंचाइजी ओन्ड, यानी वो दुकान जो होगी वो फ्रेंचाइजी की ओन की हुई होगी, लेकिन कंपनी ऑपरेटेड यानी आप ऑपरेट कर रहे हैं, ये एक मॉडल हुआ। आगे बोलिए फवाज भाई। तो उस केस में जैसे आपने बताया कि सारा मैनेजमेंट, सारा जितना भी ऑपरेशन है वो कंपनी एक तरीके से एसओपी बना के, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बना के अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग फ्रेंचाइजी प्रोसीजर बनाना है, एसओपी, यानी क्या आप कोई छोटी छोटी सी छोटी होटल क्यों ना हो वो अपना ऑपरेटिंग प्रोसीजर लिख के रखें कि हम लोग ऐसे ऐसे डिश बनाते हैं। हाँ, क्योंकि कल हो गए 100 शेफ बनाने वाले वो डिश, 100 जगह पे जाएगा, तो क्या चीज आज इस रेस्टोरेंट में चल रही है वो 100 जगह पे भी चलनी चाहिए। हाँ, तो कैसे चलेगी, आप उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी बनाएंगे। जी बताइए फर्स्ट में। तो उस केस में फ्रेंचाइजी से, ये इंटर्न फ्रेंचाइजी से ये तो सेल्स का एक परसेंटेज रॉयल्टी चार्ज करेंगे, जितने भी उसकी सेल्स हुई, जितना भी रेवेन्यू आया, क्योंकि वो रेवेन्यू इनके ब्रांड की वजह से आ रहा है, तो एक ऑलरेडी इनका प्रोटोटाइप मॉडल सेल का है परसेंटेज मुंबई, मिलेगा ओनर को। जी वो रॉयल्टी के तौर पे इनका एडिशनल रेवेन्यू हो जाएगा। इस तरीके से इनकी मार्केट प्रेजेंस बढ़ेगी अपने आप में, अपनी वेबसाइट पे, अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस पे दिखा सकते हैं कि हमने एक रेस्टोरेंट से जो है आज से 20 साल पहले शुरू किया था और आज हमने 20 सालों में 20 रेस्टोरेंट खोल दिए। तो इस तरीके से इनकी मार्केट वैल्यू, इनकी नेटवर्थ, इनकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में बढ़ेगी और कहीं ना कहीं कस्टमर को ये अट्रैक्ट करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अक्रॉस ब्रांचेस, आपकी 20 ब्रांचेस हो, 10 ब्रांचेस हो, अक्रॉस ब्रांचेस आपका टेस्ट सेम रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि टेस्ट में डिफरेंस आ जाता है, वहां प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, यानी कि सेम ब्रांच में भी, सेम प्लेस में भी, सेम रेस्टोरेंट में भी कहीं ना कहीं टेस्ट में वेरिएशन आना शुरू हो जाता है। टेस्ट में वेरिएशन नहीं होना चाहिए। मैंने 6 महीना पहले किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में जाके एक पर्टिकुलर रेसिपी, एक पर्टिकुलर डिश मैंने ट्राई की थी वो, और एकदम से मेरे को नॉस्टैल्जिक फील हो गया, मेरे को नॉस्टैल्जिक आ गया कि मुझे वही चीज खानी है। तो अगर 6 महीने बाद भी मैं जाकर के वहां पर ट्राई करने की कोशिश करूंगा तो मुझे वही टेस्ट मिलना चाहिए, अदरवाइज वही मेरा टेस्ट जाना मिलना चाहिए 6 महीने बाद भी।
यू नो सर्विस होना बेकार है बिल्कुल. तो इस चीज पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. और ये मतलब इट्स नॉट जस्ट अ फनी थिंग, इट्स अ बिजनेस यू नो पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव बहुत जरूरी है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए. तो फ्रेंचाइजी मॉडल इनके लिए सूटेबल रहेगा. देखिए एक हुआ फ्रेंचाइजी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, एक होता है फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, और एक होता है कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, है ना. तो और ये तीन मॉडल्स है फौज भाई, चार चार कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, दैट इज कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, दैट इज कोको सीओसीओ, ठीक है सीओसीओ कोको. हां कंपनी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, ओके फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड एंड फ्रेंचाइजी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, करेक्ट. फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, फ्रेंचाइजी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, ये चार मॉडल है. अब बहन आप इसके अंदर देखेंगे आप, और मैं आपको बताऊं अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है ना, कोई एक अच्छे यूट्यूबर को बुलाओ, कोई इंस्टाग्राम वाले को बुलाओ, उसको खिलाओ खाना, उनको कुछ जो उनके चार्जेस फीस वगैरह दो, बोलना हमारे ऊपर बनाओ, हमारे वीडियो बना के डालो. क्योंकि क्या होता है ना, एक विजन होता है, विजन हर चीज सोच से शुरुआत होती है. मान लो आपके पास एक है, आप सोचिए कि मेरा प्रोडक्ट तो ऐसा है ना, मेरे यहाँ का टेस्ट ऐसा है, कस्टमर मेरे खुश है, तो 100 जगह पे भी हम लोग दे सकते हैं. तो एसओपी पहले बुक बनाना शुरू करो, और साथ में फिर किसी यूट्यूबर को बुलाओ, बोला और फिर उसमें बोल दो, बोलना कि मैं हम लोग फ्रेंचाइजी भी देने तैयार है, हम लोग फ्रेंचाइजी भी देने तैयार है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. और वहां पे करें ना करें, फ्रेंचाइजी की जो वेबसाइट्स है ना, वहां पे जाके लिस्टिंग करो मॉडल के साथ. थोड़ा सा आपको एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट से आपको एक थोड़ा उसका प्रोजेक्ट प्लान बनाना पड़ेगा, ताकि सही प्लानिंग हो जाए उसके अंदर, ताकि आप देख सको कि खर्चे क्या है. ऐसा नहीं कि किसी का नुकसान हो, कोई पैसे लगाएगा आपके प्लान के ऊपर, तो उनका भी फायदा होना चाहिए, आपका भी फायदा होना चाहिए, सामने वाले का फायदा हो, आपका भी फायदा हो. तो इस तरह से कोई अच्छा मॉडल बनाए और करें अल्हम्दुलिल्लाह, बिग प्लानिंग बनाए. जी बहन आपको उम्मीद करता हूँ कुछ रोड मैप दिखा होगा इंशाल्लाह. जी सर, जजाक ठीक है. अभी हमारे नेक्स्ट गेस्ट, मुझे एक चीज की याद आ गई अभी सवाल के बाद, आपने यूट्यूबर्स का नाम लिया, तो आजकल जितने भी फूड ब्लॉगर्स हैं और जितने रेस्टोरेंट पे जाते हैं, तो उनके पास एक चीज कॉमन रहती है, वो कहते हैं कि बाबूजी के 15 से 18 सीक्रेट मसाले. 15 से 18 सीक्रेट मसाले, तो ये अपने आप में यू नो पॉइंट है. जी